अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर। इस लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक के जो का जो थर्ड लेक्चर है, इसमें हम डिफिनेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हैं प्रोबेबिलिटी के चार डिफिनेशन, एक है क्लासिकल डिफिनेशन, एम्पेरिकल डिफिनेशन, एक्जियोमेटिक डिफिनेशन और सब्जेक्टिव डिफिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्लासिकल डिफिनेशन शुरू करते हैं। क्लासिकल डिफिनेशन के अंदर क्या आता है? क्लासिकल डिफिनेशन में यह है कि फॉर एग्जाम्पल एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है और उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो एन हैं, जो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हैं और इक्वली प्रोबेबल हैं। ठीक है, अब एक इवेंट है और उस इवेंट के जो फेवरेबल आउटकम्स हैं, इनमें से इस जो सैम्पल स्पेस जो रैंडम एक्सपेरिमेंट जनरेट किया है, उस सैम्पल स्पेस में एम ऐसे आउटकम्स हैं जो फेवरेबल है एक इवेंट के लिए, तो उस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो रेशियो एम और एन, एम 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 टू एन का जो रेशियो होगा एम और एन से हम फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर हमारे पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, अब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट जब चलता है तो उसके अगेंस्ट हमारे पास कई सारे पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस रैंडम एक्सपेरिमेंट ने हमारे पास ये सारे आउटकम्स जनरेट किए। अब ये कितने आउटकम्स हैं? फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास टोटल आउटकम्स हैं एन। अब इन आउटकम्स में से एक इवेंट है, फॉर एग्जांपल ये एक इवेंट है और उस इवेंट के जो फेवरेबल आउटकम्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो येलो वाले हैं ये उसके फेवरेबल हैं। ठीक है, ये दो इसके फेवरेबल हैं। इस तरह इस सैंपल स्पेस में से कुछ एम ऐसे इवेंट्स हैं जो इस इवेंट के लिए फेवरेबल है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एम डिवाइडेड बाई एन। इस केस में अगर ये दो फेवरेबल हैं तो टू डिवाइडेड बाई जितने होंगे, टू डिवाइड बाई एन। ठीक है, तो इस सिनारियो में हमारे पास एम जो इस इवेंट के फेवरेबल इवेंट होंगे, सैंपल पॉइंट्स होंगे, डिवाइडेड बाय एन जो कि टोटल सैंपल स्पेस का साइज होगा। तो ये हमारे पास है क्लासिकल डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब इनको मैं थोड़े से कुछ एग्जांपल देता हूँ, उनसे समझा लेते हैं। यहाँ पर आप समझें, ये पहला एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट पेपर अटेम्प्ट कर रहा है एग्जाम में, तो उस स्टूडेंट के जो पॉसिबल ग्रेड्स हैं, उसके जो पॉसिबल ग्रेड्स हैं वो ग्रेड ए बी सी या डी हो सकता है। अब ये इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल आउटकम्स हो गए, इसका सैंपल स्पेस हो गया। अब इस सैंपल स्पेस का साइज जो है आप नज़र आ रहा है, चार है, ए बी सी डी। ठीक है, ये चार इसका क्या है? सैंपल स्पेस का साइज है। अब सपोज हमारे पास है एक इवेंट और इवेंट क्या है कि ग्रेड हायर देन सी, के सी से ऊपर का ग्रेड, सी से ऊपर के ग्रेड हों तो वो तो बी सी हैं। ठीक है, तो इस इवेंट के जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो क्या, कौन कौन से हैं? वो ग्रेड ए और ग्रेड बी हैं, जो कितने बनते हैं? जो दो बनते हैं। तो इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है, इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इक्वल होगी एम डिवाइडेड बाई एन, जो इसके फेवरेबल हैं, और डिवाइडेड बाई टोटल इवेंट्स, टोटल जो सैंपल स्पेस का साइज होगा वो। नेक्स्ट एग्जांपल देख लें। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनमें से एक स्टूडेंट का पोजीशन, फॉर एग्जांपल अली है, अली का कौन सा पोजीशन हो सकता है? वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है। लिहाजा इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो क्या क्या हो सकेंगे? पोजिशन ऑफ अली या फर्स्ट होगा या सेकेंड या थर्ड या फोर्थ। लिहाजा इस सैंपल स्पेस का जो साइज होगा वो कितना होगा? फोर होगा। इस रैंडम एक्सपेरिमेंट ने जो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और इक्वली प्रोबेबल फोर आउटकम्स जनरेट किए हैं। अब हमारे पास एक इवेंट है, वो इवेंट ये है कि अली इज नॉट थर्ड, अली थर्ड ना हो, नहीं होगा। तो इस इवेंट के जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे इनमें से, इस सेट में से, ठीक है, इस सेट में से जो अली के फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? जो थर्ड नहीं होगा तो डेफिनेटली या तो फर्स्ट सेकंड होगा या फिर फोर्थ होगा। तो इसके जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो तीन हैं, लिहाजा इसकी प्रॉबिबिलिटी क्या होगी? थ्री डिवाइडेड बाई फोर होगी। सिमिलरली एक नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, ये एक प्लेइंग कार्ड है, 32 ताश के पत्ते हैं, सॉरी 52 ताश के पत्ते हैं। इनमें से अगर हम देखें तो पास एक कोई बंदा एक कार्ड उठाता है तो उसके जो पॉसिबल चॉइसेस होते हैं उसके पास कितने होते हैं? इन कार्ड में से, इन कार्ड का कम्बिनेशन ये है। ठीक है, इसमें से चार सूट्स होते हैं, स्पेड्स, क्लब्स, हर्ट्स और डायमंड। स्पेड्स और क्लब जो होते हैं ये ब्लैक होते हैं और हर्ट्स और डायमंड जो होते हैं रेड होते हैं। अब हर एक ए से शुरू होकर 10 तक जाता है तो 10 ये हो गए और जे, क्यों और किंग, ये तीन जो हैं फेसेस हैं इनमें से। अब एक कार्ड हम जब उठाते हैं तो ये हमारे पास टोटल कितने आउटकम्स हैं? इस कोई कार्ड अगर एक कार्ड इनसे आदमी उठाता है तो टोटल आउटकम्स 52 बनते हैं। लिहाजा सैंपल स्पेस का जो साइज है वो कितना है? 52 है। अब हमारे पास एक इवेंट है और इवेंट क्या है? कार्ड इज रेड, कार्ड इज रेड। तो इस इवेंट के जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे
इस इवेंट के जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो ये लास्ट टू होंगे, हर्ट्स और डायमंड, क्योंकि ये दोनों रेड हैं, लिहाजा 13 एक में है और 13 दूसरे में है, तो टोटल कितने हो गए, 26 हो गए। तो 26 सैंपल पॉइंट्स हैं इस इवेंट के फेवरेबल, और टोटल कितने हैं, 52। लिहाजा इसकी प्रॉबिबिलिटी क्या होगी, 26 डिवाइड बाई 52, दैट्स नथिंग बट 1/2। अब सपोज इसी सैंपल स्पेस में से एक दूसरा इवेंट है, वो क्या है, द कार्ड इज डायमंड। अभी जब कार्ड डायमंड है तो आप देख सकते हैं कि इस इवेंट के जो फेवरेबल आउटकम्स हैं, इसके जो फेवरेबल सैंपल पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं, वो सिर्फ ये डायमंड वाले हैं, ये वाले, ठीक है, ये जो 13 बनते हैं ये इसके फेवरेबल है सिर्फ। अगर इनमें से कोई कार्ड निकलता है तो ये इवेंट अगर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लिहाजा इस इवेंट के जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितने हो गए, 13 हो गए। अब 13 डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं सैंपल स्पेस में, 52 है, तो 13 डिवाइडेड बाई 52 हो गया, हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी, दैट इज नथिंग बट 1/4। अब सपोज एक अनदर हमारे पास इवेंट है, इवेंट है कि कार्ड इज 10, कार्ड 10 है, तो आप देखें इस सैंपल स्पेस में से इस इवेंट के रिलेटेड या इस इवेंट को के फेवरेबल जो आउटकम्स हैं वो कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, क्योंकि 10 चार इनमें से 10s हैं, लिहाजा इसके फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 4 हो गए। तो 4 डिवाइड बाई टोटल कितने हैं, 52, तो 4 डिवाइडेड बाई 52 हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो हमारे पास पहला जो डिफिनेशन है वो है क्लासिकल डिफिनेशन, वो ये है कि फॉर एग्जांपल एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारे पास n म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और इक्वली लाइकली आउटकम जनरेट कर सकता है, और उन इवेंट में से m इवेंट्स इन उन आउटकम्स में से m आउटकम्स ऐसे हैं जो किसी इवेंट के फेवरेबल हैं, तो उस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो m डिवाइडेड बाई n के बराबर होगी। अब इसमें जो हमारे पास मसाइल हैं इस डिफिनेशन में वो कौन से हैं, एक बड़ा मसला इसमें ये है इक्वली लाइकली का, क्योंकि हमने कहा कि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट जो आउटकम्स जनरेट कर रहा है उनके बारे में कहा वो कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हों और वो इक्वली लाइकली हों। अब इक्वली लाइकली क्या मतलब है, कि उनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल हो। अब देखें तो प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते वक्त हमने वर्ड प्रोबेबिलिटी को फिर से इंट्रोड्यूस कर लिया, फिर से उस डिफिनेशन में शामिल कर लिया, लिहाजा ये एक सर्कुलर डिफिनेशन बन गया, एक टॉटोलॉजी टाइप डिफिनेशन बन गया, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर रहे हैं, ऊपर से हम उसमें अंदर से फिर से प्रोबेबिलिटी को उनमें डाल रहे हैं। तो हम कहते हैं कि भाई रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम अगर एन बार एन आउटकम जो जनरेट कर सकता है और वो इक्वली प्रोबेबल हों, तो फिर से हमने प्रोबेबिलिटी का वर्ड उसमें शामिल कर लिया। That's why ये हमारे पास इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसमें एक सर्कुलर डिफिनेशन है, प्रॉबेबिलिटी को डिफाइन करते वक्त हमने उसमें फिर से प्रॉबेबिलिटी को इंट्रोड्यूस करा लिया, तो ये एक इसमें मसला है। दूसरा इसका मसला जो क्या है वो ये है कि हमने कहा कि प्रॉबेबिलिटी ऑफ इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई एन, बट वट एफ एन टेंस टू इन्फिनिटी, अगर एन बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी तक पहुँच जाए, तो फिर तो हर किसी इवेंट की जो प्रॉबेबिलिटी होगी, चाहे वो जैसा भी इवेंट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो होगी। लेकिन अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी हम लगा ले, एम डिवाइड बाई इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो, ठीक है, लिहाजा कोई भी इवेंट होगा तो उस सिचुएशन में उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो जीरो आएगी। लिहाजा इन दो वजूहात के बिना पर जो क्लासिकल डिफिनीशन है वो इतना मकबूल नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास डिफिनीशन है वो एम्पेरिकल डिफिनीशन है। तो एम्पेरिकल, जैसा इसके नाम से जाहिर है कि ये है एक्सपेरिमेंटल डिफिनीशन, इसको हम पोस्टीरियर डिफिनीशन भी कहते हैं। उसमें क्या है, इसमें ये है कि इफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ टाइम एंड एन इवेंट ई अकर्स एम टाइम्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज गिवन बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एम डिवाइड बाई एन। ये है एक्सपेरिमेंटल डिफिनीशन। पहले हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे 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 और उनके आउटकम्स की बेस पर हम किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी के बारे में बताएंगे। लिहाजा ये है एम्पेरिकल और ये डिपेंड करता है पास्ट हिस्ट्री पर। लिहाजा द प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड ऑन द हिस्टोरिक एक्सपेरिमेंटल डेटा, दस इट इज पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हम प्रोबेबिलिटी की बात बाद में करते हैं, उसको पहले एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। लिहाजा एक एक्सपेरिमेंट को हम बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर लें और उसमें एक इवेंट को चेक कर लें कि एक इवेंट कितनी बार आया है, तो जितनी बार आया होगा वो डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हमें उसकी प्रोबेबिलिटी दे देगा। अब ये देखें, हमारे पास ये है एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। इस रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम कंडक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं इसको एक बार कंडक्ट करता हूं। जब मैं इसको एक बार कंडक्ट करता हूं तो एक बार कंडक्ट करने की वजह से इसका जो फॉर एग्जांपल ये कॉइन मैंने टास्क किया था, तो एक बार जब मैंने कॉइन टास्क किया और क्या आ गया, आगे टेल आ गया।
अब मेरे पास इवेंट कौन सा है, इवेंट ये है कि हेड विल अपीयर। अब देख सकते हैं कि हेड विल अपीयर तो इवेंट आकर ना हुआ क्योंकि टेल आ गया। अब जब टेल आ गया तो इसका मतलब है कि मेरा इवेंट आकर नहीं हुआ, तो जब आकर नहीं हुआ तो इसका मतलब है जीरो बार आकर हुआ है, तो जीरो डिवाइडेड बाई वन इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट मैंने किया और उसमें मेरा इवेंट जीरो बार आकर हुआ, लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू जीरो डिवाइड बाय वन, तो लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी हो गई, जीरो हो गई इस सीन में। लेकिन अगर इसी को मैं दो बार यहाँ पर रिपीट कर लेता हूँ, अपने रैंडम एक्सपेरिमेंट को मैं दो बार रिपीट करता हूँ, तो दो बार रिपीट करने के बाद जब मैं इसके आउटकम्स को देखता हूँ तो दोनों ये टेल टेल आ जाते हैं, पहली बार भी टेल आया, अगली बार भी टेल आया, तो दोनों एक्सपेरिमेंट में टेल टेल आया। अब आप देखें, इवेंट मेरे पास क्या था कि हेड विल अपीयर, लेकिन वो आकर नहीं हुआ, क्योंकि हेड अकर होता अगर यहाँ पर मेरे पास कोई एक हेड आता तो मैं कहता कि एक बार इवेंट आकर हो गया है, अभी इवेंट जीरो बार आकर हुआ है, तो जीरो डिवाइड बाई नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितने थे, दो एक्सपेरिमेंट्स थे। आप देख सकते हैं कि दो मेरे पास एक्सपेरिमेंट थे और उनमें से मेरा इवेंट कितनी बार आकर हुआ, जीरो बार, लिहाजा प्रॉबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी हो गई, जीरो हो गई। अब मैं इसकी एक्सपेरिमेंट को तीन बार रिपीट करता हूँ, जब मैं इसको तीन बार रिपीट करता हूँ तो उसके मैंने तीन बार में कॉइन को टास करता हूँ तो उसके जो आउटकम मेरे पास आ जाते हैं वो टेल, हेड और टेल आ जाते हैं। अब देखिए मेरा इवेंट क्या था कि हेड विल अपीयर, तो इस तीन बार रिपीट करने के बाद मेरा एक्सपेरिमेंट कितनी बार, मेरा जो इवेंट है वो कितनी बार हेड हुआ है, कितनी बार ये वाला इवेंट आकर हुआ है, सिर्फ एक बार, जब यहाँ पर हेड आया तो ये इवेंट आकर हुआ, लिहाजा एक बार आकर हुआ और टोटल कितनी बार है, तीन बार तीन एक्सपेरिमेंट्स ये थे जिनमें एक बार मेरा इवेंट आकर हुआ, लिहाजा प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1/3। अब मैंने क्या किया, इसी एक्सपेरिमेंट को मैं कई बार, फॉर एग्जाम्पल मैं 10 बार रिपीट कर लेता हूँ। अब जब इसको मैं 10 बार रिपीट कर लेता हूँ तो इस यानी 10 बार मैं कॉइन को टॉस कर लेता हूँ तो उसके अगेंस्ट जो मेरे पास आउटकम्स आ जाते हैं, जो एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स आ जाते हैं, वो हेड 6 बार आ जाते हैं और टेल 4 बार आ जाते हैं, यानी 6 हेड था, 6 बार हेड अपीयर हुआ और 4 बार टेल अपीयर हुआ। लेकिन मेरा इवेंट क्या था कि हेड विल अपीयर, तो हेड कितनी बार आया है, 6 बार, टोटल एक्सपेरिमेंट कितने हैं, 10 हैं, तो 6 डिवाइड बाई 10, 6 डिवाइड बाई 10 से मेरा प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 0.6 आ गई। अब देख सकते हैं कि अभी तक जितने भी हमने किए हैं एक्सपेरिमेंट उनमें से मेरा जो इवेंट है कि हेड विल अपीयर उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 नहीं आ रही, क्योंकि गलत आ रही है, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट बहुत कम टाइम बहुत थोड़े थोड़े किए हैं, 2 बार 3 बार 10 बार, इसको 1000 बार रिपीट करने के बाद पता चलता है कि हेड की प्रोबेबिलिटी जो है 0.5 पर ही आएगी। अब देखें यहाँ पर इस टेबल में ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स है, बफन है, कर्ल पियर्सन और कर्ल पियर्सन के 2 एक्सपेरिमेंट्स हैं। बफन ने एक्सपेरिमेंट किया है, उसने 4040 टाइम्स जो है ना कॉइन को टास्क किया है, उसमें नंबर ऑफ हेड्स कितने आए हैं, 2048। तो आप अगर 2048 को 40 पर डिवाइड करोगे तो 0.5069 ये प्रोबेबिलिटी आएगी, लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड किया है इसमें एक्सपेरिमेंट में ये आई है तकरीबन 0.5 के करीब ही है। अब करपियर्सन ने इसको 12,000 बार रिपीट किया, उसमें 6019 बार आ गया है हेड। तो अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे 12,000 पर प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0.5016। अब देखें जैसा ही भी हमने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को बढ़ाया है, हमने 4,000 से 12,000 पर ले गए हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई है, 0.5 के करीब ही आ गई है। उसके बाद कर्ल पियर्सन ने 24,000 इस बार इसी कॉइन को टॉस किया और उसमें से 12 बार आ गया है हेड, तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 12,000 डिवाइड बाई 24,000, इसमें क्या गया, 0.5006। तो आप देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी 0.5 के करीब आ रही है। जैसे हम नॉर्मली पहले हम बता चुके हैं कि कॉइन को हम जब टास्क करेंगे तो हमारे पास या हेड आएगा या टेल आएगा, 50.5 चांसेस है, 0.5 प्रोबेबिलिटी है हेड की और 0.5 प्रोबेबिलिटी है टेल की। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह हेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो जब हम एक्सपेरिमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बार रिपीट करते जा रहे हैं तो वो 0.5 के करीब आ रही है। अब इसके जो इश्यूज़ हैं उसमें कौन कौन से इश्यूज़ हैं, एक तो ये है कि एक्सपेरिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, किसी एक्सपेरिमेंट को हम बहुत ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते प्रैक्टिकली। और उसके अलावा ये होता है कि क्योंकि हम अगर बहुत ज़्यादा बार रिपीट करेंगे तो प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस जो होंगे वो भी चेंजेस हो, उनमें भी चेंजेस आएंगी। मिसाल के तौर पर आज मैंने किया तो मैं तो कितनी बार कर रहा एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ, तो 6 महीने बाद जो करूँगा तो अब की हालत और तब की हालत में फ़र्क होगा, तो शायद हमारे एक्सपेरिमेंट पर वो असरअंदाज हो जाए। इसलिए प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस या प्रिवेलिंग कंडीशंस और जो हम एक जो हमारी मजबूरी है कि हम इनफाइनाइट टाइम नंबर ऑफ टाइम्स को रिपीट नहीं कर सकते, इसी वजह से ये इसकी दो बड़ी खामियाँ हैं। मिसाल के तौर पर आप यहाँ देखें
कि आपको क्या कि प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विल डाई इन हिज 30s व्हेन ईटिंग फिश ओनली। अब यहाँ पर अगर इसको हम एम्पेरिकल से करेंगे तो हमने जो है इनफाइनाइट लोगों को देखना है कि इनफाइनाइट लोग मर गए 30s में तो और वो सिर्फ फिश खा रहे थे, तो दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। या यहाँ पर एक देखेंगे प्रोबेबिलिटी अ न्यूक्लियर बम विल एक्सप्लोड, ये कि एक न्यूक्लियर बम है और वो फटेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी, उस केस में अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है ना करोड़ों न्यूक्लियर बम फटाने पड़ेंगे, तो उसके बाद आपको पता लगेगा कि भाई कितने बमों में से कितने फटते हैं और कितने नहीं फटते। इसी तरह ये दूसरा एक है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन डेथ विद कार एक्सीडेंट, ठीक है के प्रोबेबिलिटी के कम से कम एक बंदा मार गया कार एक्सीडेंट से। अब हम करोड़ों में से इंतज़ार करेंगे कि करोड़ एक्सीडेंट हो जाएंगे या बिलियन बिलियन ट्रिलियंस एक्सीडेंट्स हो जाएंगे और उनमें से हम लगा लेंगे कि कितने में से एटलीस्ट वन आदमी मरा है या नहीं मरा। तो ये है इसकी खामियां। थर्ड हमारे पास है एक्सियोमेटिक डिफिनीशन। एक्सियोमेटिक डिफिनीशन को हम पढ़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं एक्सियोमेटिक डिफिनीशन ये है कि टू एवरी सैंपल पॉइंट ऑफ द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट अ रियल नंबर इज असाइंड कॉल्ड इट्स प्रोबेबिलिटी सच दैट इट सैटिस्फाई द फॉलोइंग थ्री कंडीशन। एक एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस होगा उसमें से हर सैंपल पॉइंट को हम एक रियल नंबर असाइन करेंगे उसके, लेकिन वो नंबर अपनी मर्जी से नहीं असाइन करेंगे, उसके लिए तीन कंडीशन को सर्टिफाई करना होगा। पहले क्या है कि द नंबर मस्ट लाई बिटवीन 0 एंड 1, जो भी नंबर हम सैंपल पॉइंट को देंगे वो 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो सारे सैंपल पॉइंट्स के जो जो नंबर हमने असाइन किए होंगे उनको हम एड अप कर लेंगे तो उससे 1 आएगा। और थर्ड क्या है कि अगर ए और बी कोई भी दो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी जो है वो इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। तो यहाँ पर देखें एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने जा रहा हूँ और उसका रैंडम एक्सपेरिमेंट ने से फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो कॉइन मैंने टास्क करने थे तो प्रोबेबिलिटी तो सैंपल स्पेस ये आ सकता है कि दोनों पर हेड आ जाए, पहले पर हेड दूसरे पर टेल, पहले पर टेल दूसरे पर हेड, या फिर दोनों पर टेल। तो ये हमारे पास टोटल हो गया उसका जो सैंपल स्पेस। अब हमने इस सैंपल स्पेस के हर पॉइंट को एक रैंडम नंबर असाइन करना है बिटवीन 0 एंड 1। तो मैंने x1, x2, x3, x4 ये कुछ नंबर्स मैंने असाइन किए हैं हर सैंपल पॉइंट को जो इसकी प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है। अब उसके लिए तीन कंडीशंस हैं कि भाई ये जो x1, x2, x3, x4 की वैल्यू है हर एक वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में होगी, ठीक है, यानी 0 और 1 के बीच में होगी। इसमें कोई 0 भी हो सकती है लेकिन 0.1, 0.3, 0.7, ठीक है, इस तरह के की वैल्यू हम असाइन करेंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 से 1 आना चाहिए, क्योंकि सबको अगर हम ऐड कर लेंगे तो सबका सम जो है वो 1 आना चाहिए। और तो जो उसमें लास्ट कंडीशन है वो ये है कि कोई अगर दो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो उनको हम ऐड करेंगे तो वो इंडिविजुअल के सम के बराबर होंगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर है एक इवेंट है कि बोथ आर हेड और दूसरा इवेंट है कि बोथ आर टेल, तो अब ये दोनों इवेंट्स क्या हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हैं। अब जब ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हैं तो बोथ आर हेड और बोथ आर टेल, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को अगर हम जमा करेंगे हेड और टेल को कंबाइनली तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेडेड एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल उसकी प्रोबेबिलिटी के इक्वल आ जाएगा। तो दिस वॉज द एक्सियोमेटिक डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। फाइनली हमारे पास है सब्जेक्टिव डिफिनीशन। सब्जेक्टिव डिफिनीशन इज नॉट दैट सच अ मैथमेटिकल डिफिनीशन, लेकिन इसमें यह है कि इट इज़ द मेजर ऑफ पर्सनल डिग्री ऑफ बिलीफ बेस्ड ऑन वंस जजमेंट एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस। ये आपके आर्गूमेंट्स हैं, आप जो उसके बारे में जो कुछ कहना चाहते हैं एक सीन के, मतलब फॉर एग्जांपल आपने कॉइन टास्क किया और आप विदाउट एनी प्रूफ विदाउट एनी नॉलेज या फार्मूला कैलकुलेशंस आप उसके बारे में कुछ कहते हैं या आप कहते हैं कि बारिश का कितना इम्कान है, तो ये चीज़ें जो है पर्सनल डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में आ जाती हैं। इट इज़ नॉट मेजर मैथमेटिकली बट एक्सप्रेस इन परसेंटेज श्योरिटी कि मैं इसके बारे में कितना परसेंट श्योर हूँ, ठीक है। हम नहीं कह सकते कि मेरा 6 या 7 या 8 यकीन है, हम उसको मतलब उसके लिए कोई हम मैथमेटिकल फार्मूला कैलकुलेशन टाइप या मेजरमेंट नहीं करते, उसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं और अपनी जो डिग्री ऑफ बिलीफ होती है उसको हम कहते हैं कि ये चीज़ ऐसे होगा। थैंक यू सो मच, ये था आज का हमारा जो टॉपिक था और इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में हम मज़ीद इसके बारे में पढ़ें।